हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी किया था। आज सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक होती है जो हमें विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोलिकुलर वाइब्रेशन और मोर प्रिकॉसली ऑन ट्रांजिशंस बिटवीन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल इन ए मोलिक्यूल। देखो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मोस्ट पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक होती है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेशन करता है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑन ट्रांजिशंस बिटवीन वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल इन ए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जो वाइब्रेशनल है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, ये किसके लिए रोल प्रोवाइड करवाते हैं, ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें किसके बारे में बताती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में बताती है। मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम उसके ऊपर वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिटरमाइन होती है। इसके लिए आगे हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन क्या होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन क्या कहता है? सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहता है कि वाइब्रेशन एंड ऑक्सीलेशन रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर मोशन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द पीरियोडिक। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहता है कि जब आप किसी भी बॉन्ड को कंप्रेस करते हो, ठीक है, जब आप किसी बॉन्ड को कंप्रेस करते हो या फिर स्ट्रेच करते हो, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग के टाइम पे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहता है कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हो या फिर एक्सटेंस करते हो, तो वो किसके जैसे बिहेव करता है, स्प्रिंग के जैसे बिहेव करेगा। एक मास ऑफ स्प्रिंग मूव करता है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, एक मास ऑफ स्प्रिंग मूव करेगा इक्विलिब्रियम पोजिशंस के ऊपर, तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अप्लाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन क्या कहता है, इसके इसका जो ग्राफ बनता है वो एनर्जी वर्सेस इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस के वर्सेस बनेगा। एनर्जी वर्सेस इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। यहाँ पे हम लेते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं। HCl मॉलिक्यूल के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वी सेफ ग्राफ बनेगा। जब कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन के टाइम चेंज होता है डाइपोल मोमेंट के अंदर, क्या है, चेंज आता है। जो ग्राफ बनेगा वो एनर्जी वर्सेस इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में बनेगा। हमने लिया है कोई भी HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल को, मतलब जो HCl मॉलिक्यूल है और एक साइड है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दोनों कनेक्ट हैं बाय द कवलेंट बॉन्ड से, एक दूसरे से क्या है, कवलेंट है, मतलब सॉरी, एक दूसरे से क्या है, कवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। जब इस मॉलिक्यूल को आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, मतलब जब आप इस HCl के मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करते हो या फिर इस मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस करते हो, स्ट्रेच करने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने उसको फोर्स लगा के एक्सटेंड किया। ठीक है, मतलब उसको आपने उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और जब आप उस स्प्रिंग को रेस्ट पोजीशन में छोड़ दोगे, मतलब पहले तो इसको आप इसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, खींचोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर आप इस स्प्रिंग को एकदम से छोड़ दोगे तो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस से मतलब लगेगा, मतलब इस स्प्रिंग को रीस्टोरिंग पोजीशन के ऊपर, मतलब वापस से रीस्टोर करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, रीस्टोर फोर्स लगेगा। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो F होता है, F इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे होता है वो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने लिया HCl का मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तो फिक्स कर दिया है और
और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इस पोजीशंस के ऊपर आके क्लोरीन के ऊपर क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी और क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी, ये क्या है, स्टेबल पोजीशन के ऊपर है। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है। क्या है, मिनिमम एनर्जी है, मींस यहाँ पे आर इक्विलिब्रियम ये रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन का मॉलिक्यूल या इस पोजीशंस के ऊपर क्या है, स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो स्टेबल है, वहाँ पे कम से कम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ई क्यू से। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल को आपने कंप्रेस किया, मान लीजिए आपने इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया, तो एनर्जी आपने कंप्रेस किया है बॉन्ड को, मतलब बॉन्ड को जब आप कंप्रेस करते हो तो इसकी आर इक्विलिब्रियम है उससे भी एनर्जी क्या हो गई है, और कम की है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाता जाता है तो मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो भी क्या होगी, बॉन्ड जो है HCl मॉलिक्यूल का बॉन्ड और क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड भी क्या होता जाएगा, एक कंडीशन के ऊपर आके वीक हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा वीक, क्योंकि इनके अंदर जैसे आप बॉन्ड को कंप्रेस करोगे तो उस कंडीशन में तो एनर्जी आपकी, मतलब उस कंडीशन में तो आपने एनर्जी को स्लो कर दिया, बट जैसे ही आप उसको बॉन्ड को एक्सटेंड करोगे, मतलब खींचोगे उस बॉन्ड को, खींचोगे तो उसके अंदर बॉन्ड क्या होगा आपका, वीक होगा, मतलब बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक बनेगा बॉन्ड, और साथ ही साथ उसमें जिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने के कारण आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फॉर्म में होगा। तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में जो ग्राफ बनेगा वो वी सेफ ग्राफ बनेगा, और एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब आपने बॉन्ड को एक्सटेंड किया, मतलब खींचा है, उस टाइम पे उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब आपने बॉन्ड को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद आपने बॉन्ड को वापस से छोड़ दिया, उस स्प्रिंग को आपने खींचा और वापस से उस स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो वो स्प्रिंग क्या होगी, अपने रीस्टोरिंग फोर्स से वापस आ जाएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट के, और एक्स हमारे पास क्या है, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है आर, और माइनस में क्या है, आर इक्विलिब्रियम होती है, मतलब आर डिस्टेंस इस साइड होगी और ये अपने पास क्या है, आर इक्विलिब्रियम। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर माइनस में आर इक्विलिब्रियम, भी आप इसको लिख सकते हो। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आएगा के, के इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट, और आर माइनस में आर ई क्यू भी लिख सकते हो, और आप इसको एफ इज इक्वल टू माइनस में के एक्स भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हुक्स लॉ भी है और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के लिए वैल्यूज भी है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आती है कि के यहाँ पे क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एफ यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है। अब आती है कि जैसे ही हमने वैल्यू को, हमारे पास ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी 1/2π रूट के बाई में यू, और ये किसकी, ऑक्सीलेशन की फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू किस में होती है, हर्ट्ज की फॉर्म में होती है। अब हमें इस हर्ट्ज की वैल्यू को सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, नाउ इस पूरी वैल्यू को हम सी से क्या कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे, और सी हमारे पास क्या है, इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को जब सी से डिवाइड करेंगे तो 1/2πc रूट के बाई में यू, और ये हर्ट्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। मींस आपको ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है वेव नंबर की फॉर्म में, तो ओमेगा बार ऑक्सीलेशन बनेगा आपका, और इज इक्वल टू 1/2πc रूट के बाई में यू की वैल्यू होगी। यू यहाँ पे क्या है, इज द रिड्यूस मास है, ये क्या है, रिड्यूस मास है। के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये किसकी वैल्यू है, ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। अब हमें इसको कन्वर्ट, अब हमें क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग देखनी है वैल्यू, वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में देखना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी लाइक अदर मोलिकुलर एनर्जी आर क्वांटाइज, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, आर क्वांटाइज्ड होती है, आर क्वांटाइज्ड होती है।
अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी मस्ट बी कैलकुलेट, अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग स्क्रोनिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी ई वाइब्रेशनल के केस में है 1/v + 1/2 एच ओमेगा ऑक्सीलेशन, और ये किसकी फॉर्म में है, जूल की फॉर्म में है। ठीक है, अब मेन जो दिक्कत आती है वो होती है कि जूल की यूनिट को आपको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी की वैल्यू क्या होती है, ई वी डिवाइड में क्या होता है, एच सी की वैल्यू होती है। तो इस पूरी वाली वैल्यू को सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वी, ये सेंटीमीटर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, वी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं वेव नंबर। ई वी एच सी वी प्लस में 1/2 एच ओमेगा ऑक्सीलेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इन्वर्स की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई वी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी को हम जूल की फॉर्म से उसको सेंटीमीटर इन्वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय द वेव नंबर, मतलब वेव नंबर की हेल्प से हम उसको सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब एनर्जी को कैलकुलेट कर, अब हम इसके लिए मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के लिए एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या होता है वो वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन आएगा। क्यों, क्योंकि इस ये एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट होगा, और आपका ई वी की एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी इन द वाइब्रेशनल केस के फॉर्म में एनर्जी होती है, तो वी प्लस में 1/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स है। अब यहाँ हमें क्या करना है, एनर्जी को मतलब वाइब्रेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब जब आपका वाइब्रेशनल लेवल जीरो से किस में जाता है, वन के केस में जाता है, तो एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे V इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, जीरो, तो जीरो 1/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन। तो एनर्जी जीरो के केस में क्या होगी, हाफ ओमेगा बार ऑक्सीलेशन होगी। एनर्जी फॉर V इज इक्वल टू 1 के केस में क्या होगी, मतलब एनर्जी V इज इक्वल टू 1 के केस में क्या होगी, जहाँ पे V है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस में हाफ ओमेगा बार ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन आएगा। ठीक है, ऐसे ही V इज इक्वल टू 2 के केस में आपके पास जो एनर्जी आएगी वो 5/2 आएगी, 3 के केस में 7/2, 4 के केस में 9/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन आएगी। तो इसके लिए मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखते हैं। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, एनर्जी फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में एनर्जी को कैलकुलेट किया है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ये है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अगर आपकी मोर्स ये वाली जो कर्व है, अगर ये इस लाइन को मतलब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाली लाइन को अगर टच कर रहा है, तो हम उस कंडीशन में V इज इक्वल टू जीरो यहाँ से लेंगे। अगर ये टच नहीं कर रहा है और कुछ इस प्रकार से होगा, तब उस कंडीशन में भी हम V इज इक्वल टू जीरो यहाँ से लेंगे। तो ये हो गया V इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही आगे तक जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी को। तो जब आपका V जीरो होता है, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या होगी, 1/2 ओमेगा ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। V इज इक्वल टू 1 के केस में एनर्जी क्या होगा, 3/2 ओमेगा ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। 2 के केस में 5/2 आएगी ओमेगा ऑक्सीलेशन। 3 के केस में 7/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन आएगा। 4 के केस में 9/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन। 5 के केस में कितना आएगा, 11/2 ओमेगा बार ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो ये हमारे पास क्या है, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व है फॉर एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के केस में, और किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के लिए। जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, सिलेक्शन रूल में हम क्या कहेंगे कि एनर्जी वी प्लस में 1 से, मतलब वी से हमारे पास
कहाँ पे आ रही है एनर्जी, V से V प्लस वन की तरफ जा रही है। तो हम हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू V EV वन बाई में टू ओमेगा बार ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। ठीक है, ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर ओमेगा बार सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। एक बार तो हम इस V की जगह V प्लस वन को पुट करेंगे और एक बार हम V की जगह V को पुट करेंगे। तो V प्लस में वन प्लस में वन बाई में टू ओमेगा बार ऑक्सीलेशन, ठीक है, माइनस में अब हमें V पुट करना है तो V प्लस में वन बाई में टू ओमेगा बार ऑक्सीलेशन आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा आपके पास, वो देखो, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा बार ऑक्सीलेशन सेंटीमीटर इन्वर्स होगी। ये किसके केस में होगी, जब आप एनर्जी आपका V से किसकी तरफ जा रहा है, V प्लस वन की तरफ जा रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, सिलेक्शन रूल था। सिलेक्शन रूल कहता क्या है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जाता है ओनली फॉर हेटरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के मॉलिक्यूल के केस में सिलेक्शन रूल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता है वो नहीं होता है, मतलब नो डायपोल मोमेंट। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, रोटेशन कॉपी क्या है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है एनर्जी फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में एनर्जी क्या होगी, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में, और मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द, ये हमारा मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ा है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में। हमने एनर्जी निकालना सीखा है SHO के अंदर, हमने एनर्जी को निकालना सीखा है, किस प्रकार से हमने एनर्जी को निकाला। लास्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल फॉर द SHO के केस में सिलेक्शन रूल होगा वो होगा अनहार्मोनिक ऑक्सीलेशन के केस में। उसका मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि बॉन्ड को हमने कंप्रेस किया है, स्ट्रेच किया है, बट एक कंडीशन ऐसी आई थी कि जब हमने उसको ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया तो बॉन्ड जो है आपका वीक हो गया। बट इन केस ऑफ द अनहार्मोनिक ऑक्सीलेशन में ऐसा नहीं होगा, जब हम बॉन्ड को मतलब इतना स्ट्रेच कर देंगे उससे उसकी मतलब पावर से 10% ज़्यादा जब हम किसी बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं तो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, विल बी ब्रेक हो जाएगा। उसके केस में जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आके जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू एटम्स की फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन अनहार्मोनिक ऑक्सीलेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।